नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। यहाँ पर हम इस वीडियो के दौरान बात करने वाले हैं गूगल कैमरा AGC 8.4 के बारे में। यहाँ पर इस वीडियो के दौरान जो है इस जीकैम का जो रिव्यू है आपके साथ शेयर करने वाले हैं, प्लस हमने इस जीकैम के साथ कुछ फोटो को क्लिक किया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो जो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक देखना, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकॉन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। सबसे पहले ये जो जीकैम AGC 8.4 का जो बिल्ड है उसके ऊपर वर्जन है 9.2 एंड इस जीकैम का डाउनलोड लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाके इस जीकैम का डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पर ये जो जीकैम का जो बिल्ड है उसको हमने यहाँ पर जो है रेडमी डिवाइस के ऊपर इंस्टॉल किया है, एंड्रॉयड 10, एंड्रॉयड 11, एंड्रॉयड 12, एंड्रॉयड 13 के साथ ये जो बिल्ड है काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर एंड्रॉयड 13 के साथ रेडमी नोट 10 प्रो डिवाइस के ऊपर जो गूगल कैमरा AGC 8.4 का जो बिल्ड है यहाँ पर काम कर रहा है, प्लस यहाँ पर MIUI सैमसंग का जो वन UI है एंड यहाँ पर कस्टम रॉम के साथ भी ये जो गूगल कैमरा का जो बिल्ड है काम कर जाएगा, काफी बढ़िया बात है। अगर बात करें यहाँ पर जो क्या क्या फीचर्स को ऐड किया गया है इस अपडेट के साथ उसके बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो है यहाँ पर अपस्केलिंग फोटो का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। यहाँ पर जो है अपस्केलिंग फोटो के साथ अब जो 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 108 मेगापिक्सल, प्लस यहाँ पर जो 200 मेगापिक्सल के साथ भी फोटो को क्लिक कर पाओगे। प्लस यहाँ पर जो पोर्ट्रेट मोड को फिक्स किया गया है, पोर्ट्रेट मोड का जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा था उसे फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। एंड कुछ डिवाइस पर जो OS का जो ऑप्शन काम नहीं कर रहा है, तो अगर आपके डिवाइस पर OS का ऑप्शन है कि अब इस अपडेट के साथ OS का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, तो फिर OS को फिक्स किया गया है। तो बच्चे OIS का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इस अपडेट के साथ। एंड ये जो बिल्ड है MediaTek प्लस यहाँ पर जो Exynos डिवाइस के साथ भी काम कर जाएगा, मतलब यहाँ पर जो Samsung का जो Exynos डिवाइस है यहाँ पर MediaTek डिवाइस के साथ भी जीकैम AGC 8.4 का जो बिल्ड काम करता है। एंड पर इंटरफेस के ऊपर कुछ इस तरह से जो चेंजेस देने को मिल जाएगा, पर लाइक अमाउंट का ऑप्शन, वाटर मार्क का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, इस तरह से अलग अलग स्लाइडर का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। पर जो है इस बिल्ड के साथ मल्टीपल लेंस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, पर टेलीफोटो लेंस, वाइड एंगल लेंस, माइक्रो लेंस का जो ऑप्शन काम करते काफी बढ़िया बात है। प्लस यहाँ पर जो है इस अपडेट के साथ पोर्ट्रेट मोड के साथ फोटो सेव नहीं हो रहा था उसे फिक्स किया गया है। प्लस यहाँ पर जो है यहाँ पर पोको फोन प्लस आईको का जो डिवाइस है उसमें जो है ऑटोमेटिकली यहाँ पर जो है जीकैम जो है फोर्स क्लोज हो जा रहा था उसे फिक्स किया गया है। इसके लिए जो स्नैपड्रैगन 845 डिवाइस के साथ जो फोर्स क्लोज का इशू था उसे फिक्स किया गया है। अभी आपको स्नैपड्रैगन 845 डिवाइस के साथ जो फोर्स क्लोज का जो इशू था वो आपको देने को नहीं मिलेगा। पोको फोन जितने भी स्नैपड्रैगन 845 डिवाइस है उसमें जो है इस जो जीकैम का जो बिल्ड है काम कर जाएगा। प्लस अब जो आईक्यू एंड वीवो डिवाइस के साथ जो पर डार्क फोटो देने को मिल रहा था उसे फिक्स किया गया है। एंड पर फ्रंट कैमरा के साथ 16:9 के साथ जो फोटो क्लिक नहीं हो रहा था उसे फिक्स किया गया है। पर मैनुअल फोकस स्लाइडर का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसे ऐड किया गया है। प्लस अब जो सैमसंग जेड फोल्ड 4, Samsung Z Flip 4 एंड यहाँ पर जो Samsung Galaxy S22 Ultra डिवाइस के साथ साथ जो Exynos डिवाइसेस है Samsung के ऊपर उसके साथ भी ये जो जीकैम का जो बिल्ड काम करेगा। एंड यहाँ पर जो कुछ कुछ बग फिक्सेस किया गया है Vivo, Samsung, Exynos डिवाइस के साथ। एंड यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। ऑटो वाइड बैलेंस के साथ आपको यहाँ पर जो एक्यूरेट फोटो देने को मिल जाएगा, नेचुरल फोटो देने को मिलता है, इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। डेफिनेटली इस जीकैम को ट्राई करके देखो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस जीकैम का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा। यहाँ पर बात कर लेते हैं फोटो क्वालिटी के बारे में। हमने यहाँ पर जो कुछ फोटो को क्लिक किया है इस जीकैम के साथ, तो यहाँ पर इस जीकैम के साथ जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस तरह से आप जो वाटरमार्क को एनेबल और डिसेबल कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पर हमने जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है यहाँ पर जो एनेबल किया है, तो वाटरमार्क को एनेबल करने के बाद अगर आप कोई भी फोटो को क्लिक करोगे तो बच्चे फोटो सेव होने में थोड़ा सा टाइम लगता है, क्योंकि बच्चे HDR एनहांसमेंट का जो ऑप्शन है एनेबल है। तो पर फोटो क्लिक होने के बाद जो कुछ इस तरह से UI देने को मिलेगा, पर सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, डायरेक्टली जीकैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर पाओगे। तो पर फोटो क्लिक करने के बाद वाटरमार्क का जो ऑप्शन हमने यहाँ पर जो एनेबल किया है, कुछ इस तरह से जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन देने को मिलेगा। तो पर वाटरमार्क का जो ऑप्शन है उसे एनेबल करने के बाद कुछ इस तरह से जो ऑप्शन देने को मिल जाएगा। तो यहाँ पर जो हमने कुछ फोटो को क्लिक किया है जीकैम AGC 8.4 के साथ, देख पाओगे कुछ इस तरह से फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। और फोटो के ऊपर जो ड्रिलिंग है काफी बढ़िया है, यहाँ पर जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, इस तरह से आपको वाटरमार्क भी देने को मिल जाएगा। डेफिनेटली आपको काफी हद तक जो नेचुरल कलर देने को मिल जाएगा, यहाँ पर जो एक्यूरेट
कलर देने को मिलेगा इस जी कैम के साथ। एंड इस तरह से आपको यहाँ पर जो सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलता है। फोटो के ऊपर जो डीलिंग है काफी बढ़िया है। इस तरह से जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। डिफरेंट आपके ऊपर इस जी कैम के साथ बढ़िया फोटो क्वालिटी देने को मिल जाएगा, सोशल मीडिया रेडी फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा इस गूगल कैमरे के साथ। एंड इस तरह से ओवरऑल जो है फोटो क्वालिटी देने को मिलेगा जी कैम AGC 8.4 के साथ। अगर बात करें जो फीचर्स के बारे में तो बार जो कैमरा के साथ ऑटो वाइड बैलेंस, फ्लैश, HDR, NS मोड, टॉप शॉट का ऑप्शन है, टाइमर का ऑप्शन इसमें ऐड किया गया है। एंड अब सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहाँ पर जाकर जी कैम 8.7 का जो रिव्यू वीडियो उसे भी आप चेकआउट करके देख सकते हो। ये बार पोर्ट्रेट मोड के साथ जो ऑटो वाइड बैलेंस, फेस रिटचिंग, HDR मोड का ऑप्शन है, बट पोर्ट्रेट मोड के साथ भी HDR मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। एंड इस तरह से जो सोशल शेयर का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। यहाँ पर नाइट साइड मोड का ऑप्शन है, नाइट साइड मोड के ऊपर जो है डेडिकेटेड एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। पर टाइमर का ऑप्शन है, फोकस के ऊपर ऑटो, नियार्ड, फार्ड, इन्फिनिटी, इस तरह से जो मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ फुल HD प्लस 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। ऑटो FPS, 24 FPS, 30 FPS, 60 FPS का ऑप्शन है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर स्लो मोशन का जो ऑप्शन अगर काम नहीं कर रहा है आप सिंपली यहाँ पर जो स्टॉक कैमरा को यूज कर सकते हो। यहाँ पर टाइम लैप्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, 1x, 5x, 10x का ऑप्शन है। पर 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। अगर आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट है तो इस जी कैम के साथ 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। पर पैनोरामा फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। अगर आप गूगल कैमरा के साथ 360 फोटो को क्लिक करना चाहते हो जो फोटो एक्सपर मोड का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, इस तरह से इसे ऑप्शंस को ऐड किया गया है ना। यहाँ पर जो सेटिंग्स मेनू है सेटिंग्स मेनू को थोड़ा सा एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर जो वाटरमार्क का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है, पर कस्टम वाटरमार्क का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। कैमरा सेटिंग्स के ऊपर जो लेंस सेटिंग्स का जो ऑप्शन है ऐड किया गया है। बेसिकली यहाँ पर जो है लिप पैचर का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, मल्टीपल लेंस के साथ जो है पर लिप पैचर का जो ऑप्शन काम करेगा। यहाँ पर जो इमेज प्रोसेसिंग का ऑप्शन है, HDR ऑप्शन का ऑप्शन है। पर डिवाइस इंटरफेस के ऊपर जो पिक्सल 6, पिक्सल 6 प्रो, पिक्सल 7 का ऑप्शन है। यहाँ पर HDR प्लस मॉडल का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, इस तरह से इसे भी ऑप्शन को ऐड किया गया है। HDR मोड के ऊपर जो फ्रेम को इंक्रीज करने का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। यहाँ पर ऑटो वाइड बैलेंस का ऑप्शन है, नॉइस मॉडल का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है, काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर जो अपस्क्रीन फोटो का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा, यहाँ से जो कैमरा ट्यूब का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है। व्यू फाइंडर फॉर्मेट का ऑप्शन है, यहाँ पर मैनुअल फोकस का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा इसमें ऐड किया गया है। इस तरह से ढेर सारी इंटरेस्टिंग फीचर को ऐड किया गया है। एंड यहाँ पर जो सेफ लोकेशन का ऑप्शन है, कैमरा से उनको डिसेबल करने का ऑप्शन है, गोल्ड लेंस का सजेशन काम कर जाएगा, सोशल शेयर का ऑप्शन है, सोशल शेयर के साथ आप डायरेक्टली जी कैम से फोटो एंड वीडियो को शेयर कर सकते हो। यहाँ पर गेस्चर्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, आप सिंपली डबल टैप टू जूम का जो ऑप्शन काम करते हैं। यहाँ पर जो वॉल्यूम बटन को एज ए शटर बटन की तरह यूज कर सकते हो, वॉल्यूम बटन के साथ फोटो एंड वीडियो को शेयर, वॉल्यूम बटन के साथ फोटो क्लिक कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर सकते हो, वीडियो रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हो। डिवाइस स्टोरेज का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, डू नॉट डिस्टर्ब मोड को ऐड किया गया है। डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करने के दौरान बैकग्राउंड में अगर कोई भी नोटिफिकेशन आएगा तो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाएगा। तो डू नॉट डिस्टर्ब मोड को एनेबल करने के बाद वीडियो रिकॉर्डिंग करने के दौरान जो है कोई भी नोटिफिकेशन देने को नहीं मिलेगा। या पर एडवांस डिस्कवर जो HDR कंट्रोल का ऑप्शन है, यहाँ पर जो रॉ फॉर्मेट का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, रॉ फोटोज का ऑप्शन है। यहाँ पर 48 MP का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, प्लस पर ऑटो नाइट साइड मोड का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, डिले आफ्टर फोकस का ऑप्शन है, फोकस ट्रैकिंग का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, पर जो है टॉप शॉट का ऑप्शन है, डीसी P3 कलर का जो ऑप्शन ऐड किया गया है इस जी कैम के साथ। यहाँ पर ब्राइट लाइट फिक्स का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, पर OIS का जो ऑप्शन काम करते हैं, पर OIS का जो ऑप्शन ऐड किया गया है, टाइमर लाइट का ऑप्शन है, एनुअल टाइम लैप्स और एस्ट्रो फोटोग्राफी का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर जो है GPG क्वालिटी को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, डिजेबल पोर्ट्रेट जूम का जो ऑप्शन काम करते हैं। अगर आप चाहो तो बाई डिफॉल्ट जो पोर्ट्रेट मोड कोड जो जूम होता है उसे डिजेबल करने का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। एंड यहाँ पर जो है डिजेबल हेक्सागन DSP का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ पर सैमसंग लाइव HDR का जो ऑप्शन काम कर जाएगा इसे भी ऐड किया गया है। पर फ्रेमिंग हिंट्स का ऑप्शन है, ग्रिड टाइप का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। यहाँ पर जो मैनुअल कंट्रोल के ऊपर वाइट बैलेंस का ऑप्शन है, वाइट बैलेंस के साथ आप जो है कलर टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हो, प्लस ब्राइटनेस एंड शेडो को एडजस्ट करने के लिए जो ऑप्शन ऐड किया गया है। ISO स्लाइडर का जो ऑप्शन काम कर जाएगा, फोकस स्लाइडर का जो ऑप्शन ऐड किया गया है। यहाँ पर
सेव सेल्फी सेज प्रीव्यू का ऑप्शन पर मिरर फोटोज का जो ऑप्शन काम कर जाएगा। वीडियो के ऊपर बिट रेट को इंक्रीज करने का ऑप्शन है, 120 MBPS तक जो वीडियो का जो बिट रेट है इंक्रीज कर सकते हो। काफी बढ़िया वीडियो रिकॉर्डिंग के दौरान जो है क्वालिटी देने को मिल जाएगा। प्लस 4K टाइम लैप्स का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डेफिनेटली 4K टाइम लैप्स वीडियो को रिकॉर्ड करने के लिए आपके डिवाइस के ऊपर 4K वीडियो रिकॉर्डिंग का सपोर्ट होना चाहिए। वीडियो स्टेबलाइजेशन का ऑप्शन है, ऑडियो जूम का जो ऑप्शन से ऐड किया गया है, डेवलपर सेटिंग्स का जो ऑप्शन से काम कर जाएगा। एनीवे आप सिंपली गूगल कैमरा का जो प्लेलिस्ट है वहां पर जाकर अलग अलग जीकेएम का जो वीडियो है उसमें आप चेकआउट करके देख सकते हो। एंड वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेलेक्ट करके इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जीकेएम एजीसी 8.4 का डाउनलोड लिंक देने को मिल जाएगा, वहां पर जाकर इस जीकेएम को डाउनलोड करके ट्राई करके देखो। एनीवे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।